नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली देखिए, आज बैंक निफ्टी में जो हमने आज मूव देखी, एक बहुत ज़बरदस्त मूव देखी। जैसे हमारे एक्सपेक्टेशन थी, देखिए जो हमारे पास एक रेंज बन रही थी और रेंज वो जो थी वो देखिए 36,500 की रेंज ऊपर की तरफ थी और 35,500 की रेंज नीचे की तरफ थी। मीन्स हमारे पास 1,000 पॉइंट्स की रेंज थी और हमने ये बात की थी कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा उस तरफ हमको वो क्लियर कट 1,000 पॉइंट मिलने वाले हैं। मे बी अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमको 1,000 पॉइंट मिलेंगे, अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ भी हमको 1,000 पॉइंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग हुई थी, वो क्लोजिंग की बात करेंगे। वो क्लोजिंग देखिए वो आई थी 36,108 के आसपास। तो 36,108 के पास वो जो है क्लोजिंग हुई थी और आज की जो हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग 36,500 के आसपास हुई है। मींस देखिए हम 400 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुए। देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ है पूरी इस टाइम जबरदस्त, जो आज कैंडल दिख रही है ये एक मारो बोजू कैंडल इसको हम कह सकते हैं, जो कि ना कोई विक हमारे पास नीचे है और ना ही कोई विक हमारे पास ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा था गैप अप ओपनिंग की, 400 पॉइंट्स हम यहाँ पर गैप अप ओपन हुए और यहाँ पर जो आज हमने हाई लगाया वो 37,440 का हाई लगाया। देखिए जो कल 36,108 जो फ्राइडे को सेशन मार्केट यहाँ पर बंद हुई थी, 36,108 के बाद हम यहाँ पर 36,500 पर हम गैप अप ओपन हुए, मींस 400 पॉइंट गैप अप ओपन हुए और गैप अप ओपन होने के बाद हम वहाँ से कंटिन्यू एक ऊपर की रैली के देखते चले गए। जो हाई लगा वो 36,440 के आसपास लगा और क्लोजिंग भी देखिए हमने बिल्कुल आसपास दी है 36,425 के आसपास। तो चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में कि 15 मिनट के चार्ट में आज के कुछ ट्रेड की एनालिसिस कर लेंगे और कल के ट्रेड आने वाले दिन की हम एनालिसिस करेंगे कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेवल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, ये देखिए ये हमारे पास एक रेंज थी, जो ऊपर की रेंज थी वो ऑलमोस्ट देखिए 36,500 के आसपास थी और जो नीचे की रेंज थी वो देखिए वो थी 34,500 के आसपास। मीन्स ये हम 1,000 पॉइंट्स में हम फंसे हुए थे। जब अपर के लेवल पर जाते थे तो यहाँ से हम जो है रिजेक्ट होते थे और नीचे के लेवल को आके टेस्ट करते थे 34,500 को। 34,500 के लेवल के पास आने के बाद हम अपर के लेवल पर जाते थे। तो फाइनली देखिए हमने यही डिसाइड किया था कि जिस तरह भी ब्रेक होगा हम 1,000 पॉइंट के लिए जाएंगे। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो 35,500 से 36,440 ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,000 पॉइंट्स यहाँ पर जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो चुका है। अब कल की डेट में हमको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या कल भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्या कल हमको कोई ट्रेड लेने का मौका मिलेगा, इन वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो फाइनली देखिए अब हम यहाँ पर देखिए बात करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर तीन ट्रेंड लाइन है, जो तीन ट्रेंड लाइन जो है कल के लिए यहाँ पर काम कर सकती हैं, उन तीनों ट्रेंड लाइन की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली देखिए जो ट्रेंड लाइन है वो ये है हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। तो जो ये आज की ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आज के डेट की है। मीन्स यहाँ से मार्केट ओपन हुई है और आज की डेट में कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल गई। अब देखिए 5 मिनट के चार्ट पहले चलता हूँ, कुछ हम ट्रेड की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज फाइनली हमने 7-8 ट्रेड लिया, 8 में 7 प्रॉफिटेबल थे, काफ़ी अच्छी मार्केट रही। और देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कट टेलीग्राम चैनल में चार्ट पोस्ट करके, देखिए एक चार्ट नहीं मैं ना जाने कितने चार्ट आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करता हूँ कि आप लोग को कोई अच्छा ट्रेड मिले, अच्छा ट्रेड लेने के बाद आप वहाँ से जो अच्छे पैसे बना पाए। तो फाइनली देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने यहां पर एक टेलीग्राम में चार्ट पोस्ट किया, ये ट्रेंड लाइन मींस उस टाइम मार्केट थी 36,750 के आसपास और मैंने ये बताया था कि 2 मिनट के चार्ट में मैंने आपको पोस्ट किया था और 36,780 का लेवल यहाँ पर जैसे ही क्रॉस होगा यहाँ पर बाइंग करनी है, यहाँ पर मैंने एक एरो का निशान बनाकर दिया था। देखिए जब मेरा एक सिंगल साइडेड व्यू होता है तो मैं सिर्फ आपको एक एरो बनाकर देता हूँ, जब डबल साइडेड व्यू होता है तभी 2 एरो होते हैं। आप जाकर टेलीग्राम चैनल में चेक करिएगा, वहाँ पर मैंने सिंगल एरो बनाकर दिया था और बताया था कि 36,780 के ऊपर, 36,780 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है यहाँ पर हमने बाइंग करनी है। और देखिए अगर आपने वहाँ पर बाइंग की होगी तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए मैं टाइम टू टाइम मैंने आज नियर अबाउट नहीं कुछ तो 12-15 मैंने चार्ट पोस्ट किए और कंटिन्यू मैं चार्ट को अपडेट भी करता रहा। तो देखिए अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट कंटिन्यू पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर ये बताते रहता हूं कि मार्केट अभी सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंस पर है या कोई ट्रेंड लाइन के आसपास है या फिर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं वहां पर बताता रहता हूं। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए हमको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन का हम ब्रेकआउट चाहिए था और फाइनली यहाँ पर जो एक रेंज बन रही थी, ये जो रेंज अब हमारे पास बन रही थी ऊपर की, वो 36,850 के आसपास बन रही थी। तो 36,850 के आसपास देखिए यहाँ से हम एक बार रिवर्स हुए, अगेन हम दोबारा यहाँ पर गए, अगेन रिवर्स हुए, तीसरी बार गए, अगेन रिवर्स हुए, फाइनली हम देखिए चौथी बार में हमने इसको ब्रेक किया और कंटिन्यू ऊपर की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर चार्ट को देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करेंगे, अब हम कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
कल हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, कौन सा सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं अब बताऊंगा कि सबसे पहले हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन हमारे पास सब ट्रेंड लाइन ये होगी। अब दूसरी जो सब ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारी हो गई दूसरी ट्रेंड लाइन। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा और चार्ट को यहाँ पर देखिए जूम अप करके, यहाँ पर जूम आउट करके ये मैंने एक ट्रेंड लाइन और इस तरह से ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन ट्रेंड लाइन आ चुकी हैं। तो फाइनली देखिए अब तीनों ट्रेंड लाइन की मैं चर्चा करके आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से हमको यहाँ ट्रेड करना है। अब देखिए हमारे लिए जो सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा हमारे लिए जो सपोर्ट है इस टाइम वो है 36,850 के आसपास। तो 36,850 के आसपास अगर हमको अगेन मार्केट यहाँ पर मिलती है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पर बाइंग करने के लिए। देखिए 36,850 का लेवल वही लेवल है जिसको हम आज क्रॉस नहीं, गैप अप ओपन होने के बाद जिसको आज हमने क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लिया, मींस वहां पर जो हमने आज ब्रेकआउट दिया वो ब्रेकआउट देखिए वो 12 बजे के आसपास दिया, 12 बजे के बाद ही दिया था ये ब्रेकआउट, ठीक है। तो मींस फर्स्ट सेशन में यही एक 36,850 का लेवल था जिसको क्रॉस करने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। अब देखिए हमारे लिए ये इन तीनों ट्रेंड लाइन का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग तीनों की बात करूंगा। फिलहाल अभी देखिए जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम यहां पर बुलिश हैं, मींस बुलिश तो हम अभी कंटिन्यू हैं, इन तीनों ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बुलिश हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहां पर जो हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छे बुलिश हैं वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू है। अब देखिए मे बी यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है, एक बार यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ है। कल देखिए अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप गैप डाउन ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है उससे हमें कुछ नहीं है। यहाँ पर मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आपको मिले, देखिए मे बी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केट में हो सकता है। मार्केट मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में। नज़र बनाकर रखिएगा यहाँ पर एक बार जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले तो हमको बाइंग के लिए देखना है किसी कन्फर्मेशन के बाद, चाहे वो कन्फर्मेशन किसी कैंडल स्टिक का हो, चाहे वो कन्फर्मेशन डाटा एनालिसिस हो, कोई भी कन्फर्मेशन हो, कन्फर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद यहाँ पर मार्केट अगर समझ लीजिए कोई रेंज बनाना स्टार्ट कर देती है, रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो वो बेस्ट सिनेरियो होगा। दूसरा यहाँ पर आपको कोई हैमर कैंडल मिलता है या फिर कोई पैलेसिंग पैटर्न मिलता है या कोई एंगल्फिंग मिलती है तो फिर वहाँ पर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के साथ ही ऊपर की तरफ निकल जाए तो वहाँ पर हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। दूसरा देखिए गैप अप ओपन, अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मे बी देखिए जिसने आज बाइंग की होगी उसने आज यहाँ पर देखिए होल्ड करके रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ आई नहीं है। तो यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी कल, मे बी ऐसी उम्मीद है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो आपने क्लियर कट बाइंग के लिए देखना है। देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद देखिए अगर ये यहाँ पर आकर हमको मिलता है तो वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी हमने मिस नहीं करनी है क्योंकि यहाँ से देखिए 37,450 के आसपास से और यहाँ पर 36,850 मीन्स यहाँ पर हम ऑलरेडी 600 पॉइंट गिर चुके होंगे। अगर 600 पॉइंट गिरेंगे तो नेचुरली बात है वहाँ से एक बार बाउंस बैक होना ही होना है। सो सबसे पहला हमको देखिए बाइंग के लिए देखना है, सेलिंग के लिए फिलहाल नहीं देखना है। सेलिंग के लिए वो देखेंगे जो आज बाय करके गए हैं वो कल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाइंग के लिए हम यहाँ पर पहला ट्रेंड लाइन ये है जो आज की ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देखेंगे बाइंग के लिए। दूसरी बाइंग हमारी ये जो हमारे 36,850 के पास सपोर्ट है इसके पास देखेंगे। तो इस तरह से आप जो है कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी मैं सारी चीज़ें आप लोगों को जो इंट्राडे में जो भी सिचुएशन होगी मैं आप लोगों को कंटिन्यू चार्ट पोस्ट करते रहूँगा टेलीग्राम चैनल में, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू वहाँ पर आपको चार्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाइनली देखिए हम आ गए हैं एक्सिस बैंक के चार्ट में, 700 के ऊपर मैंने यहाँ पर बाइंग के लिए बताया था। अब देखिए यहाँ पर हम 770 रुपये के ऊपर, 770 के ऊपर हम जैसे निकलेंगे हमको यहाँ पर बाइंग करनी है। तो फिलहाल देखिए हमने यहाँ पर जो आज ओपनिंग की है वो ओपनिंग 760 के आसपास की है। 760 के बाद हम कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकलते चले गए और 770 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर टारगेट हमारा देखिए 800 के आसपास था। तो टारगेट देखिए हमने यहाँ पर 799 का हाई लगाया है, 780, 790 और 800, ये तीन टारगेट मैंने आपको बताए थे। तो फाइनली हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए हैं। अब देखिए कल के सेशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब 800 के ऊपर एक बार मार्केट को क्लोज होने दीजिए, बैंक एक्सिस बैंक को क्लोज होने दीजिए। 800 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा बंधन बैंक है। तो बंधन बैंक के लिए देखिए 355 और 360 का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार 355 का लेवल निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखेंगे। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये ट्रेंड
ट्रेंड जब तक ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करती कोई कैंडल, एक कैंडल हमको चाहिए जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज करे, उस कैंडल के हाई के ऊपर हम जो है पोजीशन बनाएंगे या फिर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी, देखिए आज बैंक निफ्टी इतना क्यों चली है इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जो मेन स्टॉक है, देखिए जो एचडीएफसी बैंक है, जो कोटेक बैंक है और जो आईसीआईसीआई बैंक है, इन तीनों बैंकों की वेटेज जो है बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा है। सो ये तीनों स्टॉक्स जिस डायरेक्शन में चलेंगे बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में चलती है। तो देखिए आज एचडीएफसी बैंक भी ऊपर की तरफ था, कोटक बैंक भी ऊपर की तरफ था, आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर की तरफ था। सो आज बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकलती चली गई। अब देखिए हमारे पास एचडीएफसी एक बहुत अच्छे लेवल पर आकर खड़ा है। यहां पर देखिए जो हमारे पास जो इसका हाई है वो 1630 के आसपास है। अब हमको देखिए यहां पर हमको पेशेंस रखना है, यहां पर हमको कीप एंड वॉच वाली सिचुएशन करनी है। एक कैंडल हमको 1635 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, एक कैंडल 1630 के ऊपर हमको क्लोज मिल जाए, 1635 के आसपास हमको प्राइस मिल जाए, तो उसके ऊपर हम यहां पर इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। और वहां पर एक बेस्ट सिनेरियो होगा जब ये 1630 के ऊपर कैंडल क्लोज करे, उसका हाई कहीं 1634 या 1635 के आसपास हो, और जब कोई अगली कैंडल उसको क्रॉस करे तो उसमें जो है आप बाइंग बना सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। अगला स्टॉक देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक को देखिए मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल यहां पर शॉर्ट नहीं करना है इसको, आपने बाइंग के लिए देखना है। तो 650 के ऊपर जैसे निकलता है आपने बाइंग के लिए देखना है। टारगेट हमारा 680 रुपए के आसपास था, 660, 670 और 680। फाइनली देखिए यहां पर जो हमने हाई लगाया वो 676 के आसपास लगाया। कल देखिए हम क्या कर सकते हैं, 675 रुपए के ऊपर यहां पर निकलना स्टार्ट करता है। देखिए 674 के आसपास क्लोजिंग है, कल 675, 676 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो हम यहां पर बाइंग कर सकते हैं 1% या 0.5% का स्टॉप लॉस वहां पर रखकर, या देख लीजिएगा वहां पर आसपास में स्विंग लो कौन सा है उसके आसपास स्टॉप लॉस रखकर हम वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगला स्टॉक देखिए इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू देखिए रीटेस्ट कर रहे हैं, और रीटेस्ट करने के बाद फाइनली आज हमने जो है ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया। यहां पर बाइंग की जा सकती है 1060 रुपए के ऊपर, इंट्राडे का टारगेट हमारा 1080 होगा। पोजिशनल वाले अगर पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 1080 के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मीन वन डे की कैंडल हो, वन डे की कैंडल एक यहां पर क्लोज होती है, सो अपना 1050, 1080 के ऊपर, 1080 के ऊपर यहां पर क्लोजिंग आती है तो हम यहां पर बाइंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट हमारा 1200 से लेकर 1500 के आसपास है पोजिशनल वालों के लिए। इसमें पर्सनली जो है ट्रेड बनाने वाला हूं, कल के डेट में यहां पर ट्रेड बनाऊंगा अगर ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ कर देता है तो। अगला स्टॉक हमारा कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक में हम यहां पर सेलिंग साइड थे, मैंने यहां पर क्लियर कट बताया था कि यहां पर बाइंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि यहां पर जो पैटर्न बना रहा था उसके हिसाब से देखिए मार्केट जो है कंटिन्यू 4 दिनों से एक ही लेवल पर सस्टेन कर रही थी, और वो लेवल था 1935 का। मैंने बताया था कि जब 1935 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो तभी सेलिंग करनी है, ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुई आपने सेल कर दिया, नहीं। देखिए लेवल पर ट्रेड करेंगे तो हमेशा पैसे बनाएंगे, अगर लेवल पर ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर आप यहां पर हमेशा पैसे देकर जाएंगे। अब देखिए यहां पर अगेन जो है कोटक बैंक में स्ट्रेंथ आ चुकी है, अगेन एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब हमको यहां पर वेट करना है 2030 का लेवल ब्रेक होने का। 2030 का लेवल यहां पर ब्रेक होता है तो पोजीशन के लिए बहुत अच्छा यहां पर सिचुएशन है एंट्री बनाने का। 2030 के ऊपर निकलता है तो मैं इसमें पर्सनली मैं इसमें ट्रेड बनाऊंगा, और मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा कि मैं कहां पर ट्रेड बनाया हूं, मैंने कितने पर ट्रेड बनाया है, और मैं विद चार्ट में आपको विद लॉजिक के साथ आपको चार्ट भी वहां पर पोस्ट कर दूंगा। अगला स्टॉक देख लेते हैं आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक देखिए फाइनली अब ऊपर की जो ट्रेंड लाइन एक ऊपर की तरफ से है, एक हमने यहाँ पर नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, मींस यहाँ पर फिलहाल एक ट्रायंगल पैटर्न हमको दिख रहा है, और यहाँ पर फाइनली इसने जो है ऊपर की तरफ जो है बाउंस बैक कर दिया है। यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर अगर 238 रुपये के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, पर देखिए लेवल नहीं क्रॉस हुआ। जब तक लेवल नहीं क्रॉस होगा तब तक सेलिंग नहीं करनी है, लेवल नहीं क्रॉस होगा तो बाइंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर हमको वेट करना है, यहाँ पर एक बार देखिए इंट्राडे ट्रेड रहे तो यहाँ पर आप 255 रुपये के ऊपर बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट यहाँ पर 265 रुपए का होगा। पोजिशनल ट्रेडिंग आप करते हैं तो 265 रुपए के ऊपर हमको एक कैंडल क्लोज चाहिए, उसके लिए आपको एक या दो दिन रुकना पड़ेगा। मे बी यहां पर ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर की तरफ, बट पोजिशन वाले को थोड़ा रुकना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडर 255 रुपए के ऊपर यहां पर एंट्री ले सकते हैं 265 रुपए के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फाइनली देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक निफ्टी, इन दोनों की मूवमेंट में आज जो है सिमिलैरिटी नहीं रही। देखिए यहां पर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं, वन डे का चार्ट। बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, बट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ब्रेक नहीं किया है। अब देखिए यहां पर जो रेंज बन रही थी, रेंज को यहां पर फाइनली बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, बट यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखेंगे तो आज जो है सिमिलैरिटी नहीं बनी। यहां पर देखिए हम कंटिन्यू 10 से 15 दिनों से देख रहे थे बिल्कुल सिमिलर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट चलता था वैसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट चलता था। अब फाइनली देखिए इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है, हमारी यहां पर उम्मीद थी कि हम 5 से 6% यहां पर लेंगे अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, बट इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल रहा है। 410 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहां पर
ऊपर पोजीशन आपने बनानी है 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 410 रुपये के ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद उस कैंडल का जो हाई होगा उसके ऊपर आप ट्रेड बना सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर। चलिए अब बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप नज़र बनाकर रखेंगे, देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यू हाई पे हाई लगाते चले जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम 30 मिनट के चार्ट में चलकर एक बार और यहाँ पर देखें तो अब देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कट मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहली हमारी बाइंग होगी, हमको यहाँ पर वेट करना है, पेशेंस करना है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर हमको जो है बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है और यहाँ पर तो हमारी सबसे अच्छी बाइंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास जो रजिस्टेंस था वो सपोर्ट होगा, पहली बार यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार रिटेस्ट हो चुका है, जब भी यहाँ पर पहली बार रिटेस्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पर 95% केसेज में वहाँ पर जो है बाउंस बैक होता है। सो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट के बाद अभी रिटेस्ट करने नहीं आया है, कल में भी रिटेस्ट करने आता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो ये ट्रेंड लाइन का हमारे पास सपोर्ट है, दूसरा हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इसका सपोर्ट है। सो यहाँ पर दो दो सपोर्ट है, यहाँ पर मिले तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल यहाँ पर बाय करिए। कन्फर्मेशन जरूर अपनी कन्फर्म कर लीजिएगा, चाहे वो डाटा एनालिसिस की हो चाहे कैंडल स्टिक की हो। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।